नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका की हिमाचल विधानसभा चुनाव मतगणना से पहले ही सक्रिय हो गई हैं। सूत्रों की माने तो प्रियंका ने हिमाचल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार 8 नेताओं का बायोडेटा मंगाया है। इन 8 नेताओं के बारे में प्रदेश कांग्रेस से 8 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इसके आधार पर हाईकमान हिमाचल का मुख्यमंत्री चेहरा तय करेगी। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस नेताओं में मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस नेता चुनावी नतीजे आने से पहले ही कभी होली लॉन्च तो कभी दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से मिलकर अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटे हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। अब तक वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह का नाम मुख्यमंत्री की रेस के लिए प्रमुख तौर पर लिया जा रहा था, लेकिन प्रतिभा सिंह की दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात और उनके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से प्रतिभा का नाम भी सीएम की रेस में गिना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इन 4 नेताओं के अलावा प्रियंका गांधी ने धनीराम शांडिल, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर और कांगड़ा से ओबीसी नेता चंद्र कुमार की भी जानकारी देने को कहा है। इसके बाद इन सभी का बायोडेटा 8 बिंदुओं पर परखा जाएगा, जो नेता प्रियंका गांधी द्वारा मांगी गई जानकारी की कसौटी पर खरा उतरेगा उसे आगामी 5 सालों के लिए प्रदेश की कमान मिल सकती है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।